A very good morning to everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good, good morning. Morning, good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Nice to see all of you. Now, first of all, I would like to congratulate you because you all are creating history. Do you agree with that or no? Yes, you all are the first batch of board examiners who are going to appear in the lockdown period. Yes or no? Yes, ma'am. So you all are creating history. And yes, ma'am. When you know that you're going to create history, मतलब हमको पता है कि एक सेंचुरी में तो पिछले एक सेंचुरी में तो ऐसा कुछ भी एपिडेमिक इतना बड़ा ग्लोबल एपिडेमिक नहीं हुआ था. एंड यू ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन. पूरा आपने पूरा साल जो पढ़ाई करी है लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई करी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि इस सिचुएशन में भी यू ऑल हैव केप्ट योर स्पिरिट्स हाई एंड यू ऑल हैव बीन रेगुलरली अटेंडिंग. सर बता रहे थे कि आप लोग बहुत एक्टिवली आप लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में अपना अपना ऑनलाइन रह के क्लासेस अटेंड करे हैं. एंड नाउ नेक्स्ट मंथ यू विल बी अपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले ये जो मैंने कहा है कि आर रियली आई एम फीलिंग सो नाइस टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने पूरे साल भर में इस सिचुएशन में इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना प्रिकॉशंस लेते हुए अपने हेल्थ का ख्याल लेते हुए ऑनलाइन के लेक्चर्स जो कि आप लोगों के लिए भी नया था टीचर्स के लिए भी नया था तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है अपनी पूरी पढ़ाई जारी रखी है. एंड यू ऑल विल बी अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर इन दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल एपिडेमिक दैट इज गोइंग ऑन. तो उस सिचुएशन में आप लोग अपने अपनी हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आज भी आप लोग यहाँ पे आए हैं लेक्चर के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू ऑल आर ग्रेट फाइटर्स. ओके. एंड ये बात याद रखनी है कि हम जो कुछ भी करते हैं सिचुएशंस आती हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं. ना कभी आप लोगों ने सोचा होगा ना हम लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा. लेकिन ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है लेकिन कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि ये टफ टाइम है इस टफ टाइम में हम लोगों ने क्या करना है अपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है. तो कुछ लोग हताश होकर बैठ जाते हैं लेकिन आप जैसे लोग हैं जो हमें भी इंस्पायर करते हैं कि यस कि हाँ बच्चे लोग तैयार हैं रेडी हैं इस सिचुएशन को फेस करने के लिए. तो टीचर्स आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प आउट विद यू एंड दैट इज वाई आई वॉज रियली वेरी हैप्पी जब सर ने मुझे कहा कि आप लोगों के साथ थोड़ा मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं. तो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल. एंड रिमेंबर वन थिंग कि यू ऑल आर ग्रेट फाइटर्स. इस सिचुएशन में अपने आप को एक्टिवली आप एग्जामिनेशन पढ़ाई पूरी करी है और एग्जामिनेशन देंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 10th के बच्चे भी बोर्ड एग्जामिनेशन जो इस साल दे रहे हैं वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन 12th का आपका सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. जो 12th का एग्जामिनेशन रहता है ये टाइम आपका टर्निंग पॉइंट रहता है. 10th में कैसा है दैट इज द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन एक लेवल आप क्रॉस करते हैं. बट नाउ विद दिस 12th स्टैंडर्ड यू आर कमिंग टू द प्लेस फ्रॉम हियर onwards you will be deciding कि आप क्या करेंगे. okay? तो मुझे वो एक पुरानी पिक्चर का गाना याद आता है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. लेकिन उस सब में आपका जो है योगदान जो है you are the ones who are actively participating and you have to remember it is for your life. हर कोई अपनी सांसें अपने लिए लेता है. हर कोई अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है हम ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे मम्मी पापा के लिए किया नहीं. हर कोई अपने लिए काम करता है. एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है और इसके बाद जो भी आप अपने आप लोगों ने करियर डिसाइड करा है उसमें आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन जो है सिर्फ प्रिपरेशन नहीं लेकिन वो एग्जाम किस तरीके से देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो आज का जो हमारा मेन थीम है, इट इज, आप लोगों ने पूरी साल भर प्रिपरेशन करी है, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट सीइंग दैट इट इज योर प्रिपरेशन पुट इनटू आउटपुट. तो आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक दो पंक्तियां बोलनी चाहूंगी, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम एक सुपर नेचुरल फोर्स, जिसको कि हम भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, या कुछ भी एक बिलीफ रहता है कि हाँ, जब भी हम तकलीफ में रहते हैं हम याद करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, वो हमें हमारे साथ में होगा. तो एक बात आपने याद रखनी है कि हर काम में आपने ये ध्यान में रखना है कि आप अपना काम जो है उसकी तरफ आपकी निष्ठा रहनी चाहिए. यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, एंड एज अ स्टूडेंट योर डेडिकेशन हैज टू बी टूवर्ड्स अचीविंग, टूवर्ड्स गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, टूवर्ड्स रियलाइजिंग दैट यू हैव टू रीच योर गोल विद द प्रॉपर मैनर, by putting in your best efforts and your hard work and smart work also. So smart work does not mean going in for any illegal things or anything of that sort. Smart work always means that you have to learn to do your work in a more efficient manner. And ye main baat kar rahi hu, jab hum log paper ka discussion karenge वहां पे भी आपको ये समझ में आएगा कि स्मार्ट वर्क आपने किस तरीके से करना है. तो मैंने जैसे कहा, दो पंक्तियां लेके मैं ये शुरू करना चाहूंगी. सो फर्स्ट थिंग, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. सो वी हैव टू गो ऑन द राइट पाथ एंड वी हैव टू वर्क with our full dedication towards achieving our goals or our targets. Okay, so coming to how to prepare for this board examination, how you should be able to do well in the board examination. So jaise hum bolte hain ki koi bhi building rehti hai, uski neev agar mazboot hogi to uske upar jo building khadi hogi wo definitely mazboot hogi. Aur usko kitna sundar banana hai aur kis tarike se usko ye karna hai wo आगे की बात है, वो आपका स्मार्टनेस है. तो पहली बात जो है कि आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब आपका जो कंटेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो आई हैड शेयर्ड द फ्यू स्लाइड्स विद सर रिलेटेड टू व्हाट इज द सिलेबस व्हिच इज गोइंग टू बी नॉन इवैल्यूएटिव. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन इवैल्यूएटिव. जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड रहा हो या वो स्टेट बोर्ड रहा हो, कोई भी चैप्टर, एक भी चैप्टर पूरा का पूरा नॉन इवैल्यूएटिव नहीं रखा है. एवरी चैप्टर दैट वॉज ओरिजिनली देयर वो चैप्टर है, लेकिन 30% पोर्शन कम किया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कम किया है मतलब डिलीट नहीं किया है, मतलब ये है कि उस पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो इन चीजों के ऊपर बहुत विचार करके ये रखा गया है कि चैप्टर कोई भी डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, एवरी चैप्टर वॉज इम्पॉर्टेंट. तो कुछ चीजें जो आप लोगों ने 10th में करी हुई थी, जो कि एज अ फाउंडेशन अगेन वॉज रिपीटेड इन 12th स्टैंडर्ड, वो चीजें नॉन इवैल्यूएटिव के लिए रखी गई हैं. एंड दैट इज हाउ वी हैव रिड्यूस्ड 30% ऑफ द पोर्शन. रिड्यूस्ड इन द सेंस देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन कमिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दैट दोज पार्ट्स. सो आई विल जस्ट बी ब्रशिंग ओवर वेरी क्विकली विद दैट पार्ट. अगर आप लोगों ने अपने पास अपनी 12th स्टैंडर्ड की बुक रखी हुई है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू सी विच पार्ट इज नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सर के पास दिया हुआ है, आप लोगों के साथ सर ने शेयर भी किया हुआ है, बट देन
as a listening, I would want that all of you just note down what are the things in every chapter that are not going to be kept for non-evaluation. So coming to the first and the second chapter, I'm taking these two chapters together क्योंकि ये जो दो chapters हैं, first and second, these are related to reproduction in plants and reproduction in animals. तो इन दो chapters में से सिर्फ एक छोटा सा content जो है वो निकाला गया है, that is asexual reproduction का part जो है, asexual reproduction in plants and asexual reproduction in animals. सिर्फ इतना part ये दो चैप्टर्स में से डिलीट करा गया है. डिलीट, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट वर्ड. तो ये जो पार्ट है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट हैज बीन केप्ट एज नॉन इवैल्यूएटिव. 11th स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन पढ़ने के टाइम पे आप लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ा है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट for evaluation, there will be no questions asked on that part, okay? And please remember, that does not mean that you should not be knowing about it. We will come to that part later on. So in the third chapter and the fourth chapter, which are on genetics, the third and the fourth chapter on genetics, in these chapters, as you can see, there is no part that has been kept for non-evaluation. Third and fourth chapter on genetics. So this entire third chapter and fourth chapter, every part of the chapter is there for the examination. There will be questions asked on each and every part, any part, each and every part, rather than saying that, every part of that chapter will be kept for evaluation. Then the chapter number 5, origin and evolution of life. Now, contrary to the third and the fourth chapter, where no part has been kept for non-evaluation, in origin and evolution, you can see only two units have been kept for evaluation, that is modern synthetic theory of evolution and human evolution. Now, please remember, to be able to understand modern synthetic theory of evolution, you need to understand Darwinism and mutation theory. So to be able to understand point 5.6 that is there for evaluation, you must know what is 5.4 and 5.5. There will not be any question from the part 5.4 and 5.5 subunit. But like I told you, to be able to understand modern synthetic theory of evolution, you must know what is Darwinism and what is mutation theory. Okay, then coming to chapter number 6. Here again, in chapter number 6, plant-water relationship or plant-water relationship. So here in this part, many parts of this topic have been kept for non-evaluation. You have done them in your earlier classes also. What is not being kept, what has been kept for evaluation is properties of water, water absorbing organ, that is root, and water available to roots for absorption. Only these three subunits have been kept for evaluation. Other parts have been kept for non-evaluation. Then coming to chapter number 7, plant growth and mineral nutrition. Some part of it you have already done in 10th standard. So here, only the growth hormones, auxin, cytokinin, gibberellins, the ethylene and abscisic acid, only these hormones have been kept for evaluation. The remaining part of this chapter has been kept, major part of this chapter has been kept for non-evaluation. Then coming to chapter number 8, which is actually two chapters into one, respiration and circulation. Now this respiration chapter is related to human respiration and circulation. In these chapters, small part has been kept for non-evaluation. Now here I would like you all to just open the textbook, and
in this, as you are seeing, 8.5, this subunit has been kept for non-evaluation. Now, there may be a little confusion over here. 8.5, modified respiratory movements. So on page number 161 of your textbook, page number 161, if you do not have your textbook in front of you, you can just note it down on your in your notebook. Page number 161, modified respiratory movements. This starts from the left-hand column. There is a table 8.11. Us table ke upar modified respiratory movements ki shuruaat kari gayi hai. A small paragraph which goes on to the right side. Uske baad internet my friend hai. Aur uske niche 8.6 unit shuru hota hai. There has been some mismanagement over here. Yahan pe aage ke page mein aap jayenge to on page 162 artificial ventilation is on page number 162. Ventilator, that also is on page number 162. So, in parts ke upar koi bhi question nahi aayega. Okay. So, modified respiratory movement, which is on page number 161. Uske baad chota sa point hai, 8.6 ka jo point hai, wo aapke evaluation mein hai. Common disorders of the respiratory system. वो नीचे पूरा टेबल जो दिया हुआ है वो सब है आपके इवैल्यूएशन में. बट देन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड वेंटिलेटर, दिस कम्स अंडर 8.5. ओके, सो दिस पार्ट इज नॉट देयर फॉर इवैल्यूएशन. नाउ कमिंग टू 8.16, एंजियोग्राफी. सो हियर यू विल फाइंड दैट 8.16, which is on unit 8.16, which you can see on page number 174. Page number 174. So, blood pressure, arterial blood pressure. Angiography, heart transplant. Now, angiography has been mentioned on page number 175. Ye pura ka pura unit jo hai, 8.16. Ye pura ka pura unit jo hai, deleted nahi hai. If you see on the left evaluative portion, aapko 8.16, aapko yahan pe bhi dikhai de raha hai, and 8.16. Excuse me, ma'am. Ma'am, your mic is muted, so we can't hear you. Excuse me, ma'am. Ma'am, your mic is muted, we can't hear you. Okay, so am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Now talking about, we were talking about 8.16 from the chapter of circulation. Subunit 8.16. You can see it is there on left-hand side. It is there on the right-hand side also. But specifically, what has been mentioned on the left-hand side, what is there for evaluation? What is there for evaluation? That is only blood pressure. Okay. So, please note down blood pressure, this part, arterial blood pressure, measurement of blood pressure, that is there. Hypertension, that is also there for evaluation. What is not there? So in 8.16, what is not there? Please just note that down.
only angiography, page number 175, second last line, you will find the title angiography. That part is non-evaluative. Then on page number 176, am I audible now, all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So we were talking about 8.16. Please note down what is not evaluative is angiography, which is there on page 175, right-hand side. Last three lines are there. Then on page number 176, heart transplant and silent heart attack. These three parts only from unit 8.16 is not there for evaluation. Remaining part of the 8.16, that is blood pressure, hypertension, how to measure the blood pressure, that part is there for evaluation. Okay. Then coming to chapter number 9, control and coordination. Now, again, this is a large chapter, control and coordination, which is actually including the nervous system. Then it is including the sense organs, the eye and the ear. And it is also including the chemical control and coordination, that is hormonal system. Now, here you will be able to see that in control and coordination, only a small part that is there for non-evaluation. In control and coordination, chapter number 9, only a small part is there for non-evaluation, and that is the reflex action, types of reflex action and receptors. So if you just open page number unit 9.6, now, unit 9.6 actually starts from page number 189. Okay. Now, this unit, subunit is quite large, but the entire part of 9.6 has not been deleted. As you can see here also, 9.6 has been kept in evaluative. 9.6 small part is there for non-evaluative also. So just do not, that is why I have given you this particular chart, and I wanted to discuss so that you are clear what part is there for evaluation and what is not there for evaluation. So on page number 189, the unit 9.6 starts from the right-hand side below the chart. Okay. So central nervous system is entirely there. Okay. The entire central nervous system, which is continuing up till central nervous system, having brain, spinal cord. You can see that on page number 195, 196, 197, where there is formation of typical spinal nerve. Then, okay, now coming to page number 198, okay, coming to page number 198. On page number 198, right hand side, you can see the page, right hand column starts with reflex action, and chart 9.15, that particular chart is showing types of reflex actions. Okay, so here you are seeing reflex action and types of reflex action. And then another part that is not there from this subunit is receptor. Now, where are you seeing the receptors? Receptors are on page number 200 and 201. Okay. Actually, receptors is coming in unit 9.7. Now, 9.7 has not been written on the evaluative portion, but by mistake, in the non-evaluative part, 9.7 actually is for sensory receptors. Only that word receptor has come. So the subunit 9.7, that is sensory receptors,
and this continues on from page 200 left hand side up till 201 where types of receptors have been given. So this part is for non-evaluation. Okay. And then here, this part, so nervous system is there and receptors has been kept for non-evaluation. I'm having a little doubt. As far as I remember, the eye and the ear, this part also has been kept for non-evaluation, but I will confirm that. And by today evening, you will get this message. So please note down this part that eye and ear, I will definitely let you know about these, whether these are there because they are coming under the part of receptors only. So I will just let you know about these sense organs and confirm that and I will let you know. Okay. Then as you can see, 9.8, that is disorders of the nervous system, and then the endocrine system till the end of the chapter. So endocrine system, no part has been deleted from that. Okay. Now we come to the next chapter, that is human health and disease. Very, very important in terms of knowing about it for knowledge sake. Especially, it is not that आज कोरोना के बारे में हमें पता चला है तो हमें हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए. But this particular chapter is there. It was there even before we came to know about COVID. Okay, COVID-19 के बारे में पता होने से पहले भी ये chapter जो है आप देखेंगे पिछले syllabus में भी था और अभी भी जब revise हुई है textbooks तभी भी उसमें भी ये chapter है. For a simple reason that for our existence, if we have to survive in nature, the first and the foremost thing is our good health. To hame malum hona chahiye ki hamari health hame kis tarike se rakhni chahiye. Hame apni proper health maintain karne ke liye. A sound mind in a sound body. So as you can see, no part of this chapter has been kept for non-evaluation. Ye chapter jitna important COVID-19 malum hone ke pehle tha, utna hi important aaj bhi hai. And any till the time life is there on the earth, this part, knowing about health and disease is very, very important. Okay. And that is why even the study of biology is so important for life. So again, I would wish to congratulate all of you who have kept this subject, whether you want to go for medical or you don't want to go for medical, but ye subject aap logo ne 12th mein bhi rakha hai. It is very, very important. At least hume kuch basic baate malum chalti. We will come to that. Okay. So, yahan pe is chapter ka importance kya hai aur isme kya kya aana chahiye, we will see to that later on. But coming to chapter number 11. Enhancement of food production. So, yahan pe bhi only small parts that have been kept for non-evaluation are plant breeding. So, please come to page number 11. Now, in enhancement of food production, subunit 11.2. This has been given on page number 11.3, to page number 249 pe hai, and 11.2 starts from the first page of enhancement of food production, that is page number 246. So plant breeding techniques jo hai wo puri nahi hai, but the page 246 left hand side se leke to hybridization and its technique, collection of variability, evaluation and selection of parents, hybridization, selection and testing of superior recombinants,
फिर वो स्टेप्स का जो चार्ट दिया हुआ है वो भी नहीं है इवैल्यूएशन के लिए, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्चर ये पार्ट भी नहीं है, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स ये पार्ट भी नहीं है, मिलेट्स के ऊपर भी नहीं है। पेज नंबर 249 पे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज 246 अप टिल 249 वेयर वी हैव टिश्यू कल्चर, नाउ टिश्यू कल्चर पार्ट इज आल्सो नॉट देयर फॉर इवैल्यूएशन, देन 11.4 इज आल्सो नॉट देयर फॉर इवैल्यूएशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम page number 246 left hand side plant breeding up till the unit 11.4 which is getting over single cell protein aapko dikhai de raha hai on page number 252 so single cell protein advantage of single cell protein to page 252 tak starting from 246 to page 252 ye part non evaluation ke liye hai, uske baad chota sa portion bio fortification 11.5 to that part bio fortification 11.5 starting from 252 and ending at 253 ye portion nahi hai, uske baad animal husbandry unit 11.6 एनिमल हस्बेंड्री जहां पे की आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट एपिकल्चर और बी कीपिंग सेरिकल्चर लाफ कल्चर अप टिल पेज 258 सो स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 253 अप टिल पेज नंबर 258 दिस पार्ट इज अगेन नॉट देयर फॉर इवैल्यूएशन। देन फ्रॉम पेज नंबर 258 microbes in human welfare 11.7 that part is there starting from there 11.7 11.8 9 10 11 and 12 so the remaining part of this chapter enhancement of food production is again included। इसमें से कुछ चीजें आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी करी हैं, सो दिस पार्ट अप टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर पेज नंबर 268 तक दीस पार्ट्स हैव बीन केप्ट फॉर इवैल्यूएशन। देन वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में आप जैसे देख रहे हैं कोई भी पार्ट जो है वहां पे नॉन इवैल्यूएशन के लिए नहीं रखा गया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में डेफिनेशन है, उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जहां पे की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके तीन स्टेप्स जो है, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन की ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ऑन पेज नंबर 274 you can see 1 2 3 steps in figure 12.1 figure 12.1 to ye diagram jaise dekh rahe hain figure 12.1 on page number 274 this question can come for 3 marks। okay, mechanism of pcr given on page number 274 step 1 2 and 3 and the diagram this can come for 3 marks। okay, I have got 2-3 messages related to eye and ear. I hope I have made it clear that by evening that will be confirmed for sure, and I will let you know, because I was in the committee when the chapters for evaluation and non-evaluation were there, but then I'm a little unsure about it. As far as I remember, 90% it is not there, but then I want to be 100% sure. So by evening you will come to know through your sir
whether this is there for evaluation or it is not there. Okay. Okay, now talking about, like I told you on page number 274 from the chapter of biotechnology, principles and processes, here we have the process of mechanism of PCR. So you can remember that this is quite important and a straight question. Chota hai, teen steps mein hai. So describe the process of the PCR. This can come for 3 marks. Now, this has been very, very important. Now, why no part of biotechnology has been deleted? As you can understand, ki COVID ki situation may be, agar aap dekhenge, applications, method of rDNA technology, applications of biotechnology, bioethics, then effects of biotechnology on environment and effects of biotechnology on human health, biopatent and biopiracy. इन चीजों के बारे में दिया हुआ है. बायो पेटेंट्स एंड बायो पायरेसी दो बार आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बट यस, यहाँ पे वैक्सीनेशंस बनाने का भी हम जब देखते हैं कि वैक्सीनेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, या हमें जब आइडेंटिफाई करना होता है कुछ भी पार्ट, तो मेथोडोलॉजी ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दिस हैज बीन रियली वेरी यूजफुल इन बीइंग एबल टू आइसोलेट a particular part of the DNA and introduce it into from the donor organism into the host, and then we can get copies of that. Aaj COVID ki situation mein aap dekhte hain ki people who are at a greater risk of getting the infection are those who are above the age of 60, then people who may be of any age but suffering from high blood pressure, which again is an aging disorder, or then diabetes, which is again today not related to age. Previously hum bolte the ki diabetes bhi 40 ke baad detect hona shuru hota hai, but then today in a stressful life it has become quite common even in the youngsters. And not only that, there are some children who are born with diabetes. So diabetes ke patients mein jahan pe ki sugar jo hai blood mein zyada ho jati hai, uski wajah se higher sugar level in the blood becomes a very good attractant for different types of pathogens to be growing inside the body, because that is one of the simplest raw material for obtaining energy. And kisi organism ko bhi jinda rehna hai, chahe wo parasite ho ya wo free living organism ho, for surviving any organism, whether it is a bacteria or it is a human being or a plant, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना बॉडी की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है. सो हियर बाय बायोटेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू प्रिपेयर ह्यूम्यूलिन और ह्यूमन इंसुलिन बाय मेकिंग यूज ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ जाता है. हियर अगेन देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल बी कमिंग टू दैट. कि इस चैप्टर में भी जैसे मैंने आपको बताया पीसीआर के बारे में बताया, सिमिलरली डेफिनेशंस काफी सारी आ सकती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से. यू कैन नोट डाउन दोज आल्सो साइड बाय साइड. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या फिर वन मार्क क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको कोई भी एंजाइम का नाम आ सकता है. REN का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का आपको नाम आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ALU1 और BAMH1. तो इनका फुल फॉर्म क्या है या इनका मीनिंग क्या है, तो ये सोर्स क्या है इसका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम ALU1 और व्हाट इज द सोर्स ऑफ HIND2, या ये नाम किस तरीके से पड़ा है. तो ये पूरी मेथोडोलॉजी दी हुई है कि नेमिंग कैसे किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, एंड सोर्स क्या है. तो ये टेबल जो दिया हुआ है पेज नंबर 275 पे, वो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो आई गेव यू वन एग्जांपल ऑफ अ 3 मार्क क्वेश्चन, एंड फॉर 1 मार्क आल्सो एनी वन ऑफ दीज नेम्स कैन कम एंड यू मे बी आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दीज आर ऑब्टेन्ड. देन हाउ
the plasmid vector are used in, or what is a plasmid and how it is used in the DNA cloning. इसके ऊपर भी आपको छोटा सा नोट आ सकता है फॉर 2 marks. Then coming to, so I'll first finish off only 3 chapters are remaining. I will first finish off with those and then we will move to what and how to prepare. Okay. So coming to chapter number 13, organism and population. So in organism and population, again, as you are seeing, no part of this chapter has been kept for non-evaluation. The entire chapter has been kept for evaluation. Because in today's pandemic, we have realized one thing, ki agar hamari biodiversity maintain hoti hai, our interactions with our environment, if we take care to maintain the balance of nature, to kis tarike se nature humko bhi support karta. And if you do not bother about maintaining proper interactions with other members of the environment, how that can be harmful to us also. So, jaise pandemic situation mein, kitne sare logo ne post dale ki, aray, hum to city mein rehte hain, lekin humko, even I have witnessed, main jahan pe rehti hun, to one day, taking my dogs for an early morning walk, I saw peacocks roaming freely in an institution. Okay? So, ये नजारे भी एंड सो मेनी बर्ड्स जो कि हमें मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे दिखाई देते होंगे दोस बर्ड्स आल्सो कुड बी सीन द हॉर्नबिल्स एंड द किंगफिशर्स इजीली दे कुड बी सीन स्पैरोज जो कि काफी कम हो गए थे वो भी हम देखते हैं कि आज हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं एंड देन पीपल हैड आल्सो पोस्टेड कि जंगल्स में से भी हाईवे के ऊपर एनिमल्स आके वाइल्ड एनिमल्स आके आराम से बैठे हैं व्हाई बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस had been greatly reduced because of the lockdown. So, ye jo hai hame hamare environment ke sath kis tarike se balance maintain karna chahiye, that can be understood and that is why taking into consideration the need of the hour ki aaj ye cheezon ke bare mein bhi hame malum hona chahiye, jankari rehni chahiye ki hum apne environment ke sath kis tarike se relation maintain karte hain and how these interactions affect our life also. So that is why no part of this chapter has been kept for non-evaluation. Then we come to the next chapter, that is chapter number 14. In chapter number 14, ecosystems and energy flow. In this particular chapter, as you are seeing, only ecological succession. Okay? Ecological succession. Itna hi part rakha gaya hai. Baki सारी चीजें, many of these things you have already done, energy flow, energy pyramid, pyramid of mass, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने 10th में भी करी हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने 10th में भी करी हैं, much of this has been kept for non-evaluation, ecosystem, energy flow, ecological pyramids, nutrient cycle, carbon cycle, water cycle, nitrogen cycle. And ecosystem services. ये part non-evaluation के लिए रखा गया है chapter number 14 में से and only ecological succession this particular part has been kept for evaluation. So what has been kept is only 14.5. Now in ecological succession in 14.5 what is there in ecological succession? What has been kept? As you can see. On page number 300 and so on page number 316 you can see ecological succession which is going on till page number 318. So, agar aap diagram dekhenge 14.13 hydra succession and uske upar wala diagram xeral succession. So, aapko samajh mein aayega ki kis tarike se koi bhi ek
नई जगह रहती है जहाँ पे की लाइफ शुरू होती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम कितनी बार जैसे हाईवेज बना रहे होते हैं या कोई टनल बना रहे होते हैं हमारे सुविधा के लिए, तो हम हिल का पार्ट जो है एक्सकवेट करते हैं या हम मतलब उसके अंदर से हाईवे पास हो रहा होता है. तो पुणे मुंबई हाईवे बना था उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, कितनी जगहों पे हम लोगों ने टनल्स वगैरह बनाए हैं. वी हैव कट डाउन सम माउंटेन्स, वी हैव मेड टनल्स थ्रू दैट. तो एक जगह जो नई एक्सपोज हो जाती है, कहीं से हम मिट्टी उठा के कहीं पर डाल देते हैं, तो द बेयर प्लेस वहां पे लाइफ कैसे शुरुआत होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सक्सेशन. वहां पे सीधा सीधा पहले बड़े पेड़ नहीं आएंगे. या कोई बंजर जमीन है उसके ऊपर बारिश पड़ती है, तो बारिश पड़ने के बाद सबसे पहले वहां पे क्या देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही हमें हरी हरी घास दिखाई देनी शुरू होती है, प्रोवाइडेड देयर वाज ग्रास ओवर देयर. एंड जब हम ये बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, इफ यू सी और इफ यू रीड, देयर आर स्टोरीज अबाउट हाउ सम पीपल हु हैड बीन वेरी सक्सेसफुल इन द आईटी इंडस्ट्री, यूएस में काफी साल नौकरी करी, काम करा, खूब पैसे कमाए, और अभी जो है वो लोग अपने देश में वापस आए हैं. एंड जो बंजर जमीनें हो गई थी उन जमीनों के ऊपर उन्होंने कुछ साल सिर्फ डंपिंग ऑफ बनाना अपील्स, डंपिंग ऑफ गार्बेज जो कि हम कचरा घर से वेट वेस्ट जो है फेंकते हैं, तो वो वेट वेस्ट एंड बनाना पील्स भर भर के कितने साल उन्होंने उसके ऊपर मट डाल के उस जगह को हरा भरा कर दिया है. एंड जब वो हुआ तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी आनी शुरू हो गई. तो जब ये चीजें लाइफ आनी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या आना शुरू होता है, दैट इज व्हाट वी सी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो लाइक आई टोल्ड यू फ्रॉम पेज नंबर 316 अप टिल पेज नंबर 318, ये जो डायग्राम्स भी दिए हुए हैं इसमें ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट विल हेल्प यू इन द अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे कुछ चीजें डेफिनेशंस के लिए भी आ सकती हैं. लाइक ऑन पेज नंबर 317 यू हैव पाइनियर स्पीशीज. तो जब बंजर जमीन रहती है, जब खाली जमीन है, वहां पे सबसे पहले जो चीजें उगती हैं या आती हैं दे आर कॉल्ड द प्राइमरी स्पीशीज. ओके, एंड दे हैव मेंशन कि रॉक्स के ऊपर सबसे पहले क्या आता है, एंड जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रॉक सक्सेशन में पहले क्या क्या दिखता है, पहले फाइटोप्लैंक्टन दिखता है, एंड ये 1, 2, 3, 4 स्टेप्स दिखाए हैं. सो दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 3 or 4 मार्क क्वेश्चन, सक्सेशन के ऊपर भी आ सकता है. एंड दिस इज ओनली 1 यूनिट दैट हैज बीन केप्ट. तो इसमें से आपको डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी दूंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में से, इकोसिस्टम के चैप्टर में से वेटेज कितना है, तो किस तरीके एक ही यूनिट रखी हुई है. तो ये छोटी यूनिट भी है इन योर प्रिपरेशन, हाउ यू आर गोइंग टू स्मार्टली प्रिपेयर फॉर द गेटिंग द मार्क्स, दैट आल्सो आई विल बी टेलिंग यू द टेक्निक लेटर ऑन. एंड वी कम टू चैप्टर नंबर 15, द लास्ट चैप्टर, बायोडायवर्सिटी. अब बायोडायवर्सिटी में काफी सारी चीजें रखी हुई है, ओनली सम पार्ट दैट हैज बीन केप्ट, ग्रीनहाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ये पार्ट आप लोगों ने 10th में भी किया हुआ है, दिस हैज बीन केप्ट फॉर नॉन इवैल्यूएशन. ओजोन डिप्लीशन ये भी आप लोगों ने करा हुआ है 10th में, पहले भी क्लासेस में किया हुआ है. डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी आपको मालूम है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आज हम लोग देख रहे हैं, ये सारी रिलेटेड है. एंड एनवायरमेंटल इशूज, तो पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब भी, एंड उसकी वजह से एनिमल एंड प्लांट लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारे एनवायरमेंटल इशूज. एंड दीज रिमेनिंग 3 पार्ट्स, 15.7, 15.8, 15.9 एंड 15.10. तो ये लास्ट का जो पोर्शन है सिर्फ मिशन हरित महाराष्ट्र, दैट लास्ट यूनिट सब यूनिट हैज बीन केप्ट. एंड उसके पहले के 4 यूनिट्स सब यूनिट्स जो हैं 15.7, 15.8, 15.9 एंड 15.10, ये 4 सब यूनिट्स निकाले गए हैं. एंड ये जो मिशन हरित महाराष्ट्र है मोर ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड मिशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एंड किस तरीके से जो है ये एक्टिविटीज से
क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, एंड हाउ वी कैन मेक आर महाराष्ट्र ऑल्सो अ ब्यूटिफुल प्लेस, आर महाराष्ट्र, आर द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड हाउ ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ बिग डिफरेंस. सो मिशन हरित महाराष्ट्र के ऊपर भी छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. बाकी का पेपर पैटर्न वगैरह मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स नॉन इवैल्यूएटिव है. नाउ आई कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो आपके क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स का, उसमें से 70 मार्क्स विदाउट ऑप्शन अगर पकड़े, मतलब जितना आपको कंपल्सरी अटेंड करना पड़ता है, एंड विद ऑप्शन मिला के 98 मार्क्स का पेपर आता है. ओके, पूरे ऑप्शन अगर आप पकड़ेंगे तो 98 मार्क्स का पेपर आता है. तो आपका टेक्स्ट बुक जो है उसका जो इंडेक्स पेज है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंटेंट्स का पेज दिखाई देगा. वहीं पे आप दो कॉलम्स कर सकते हैं, मार्क्स एंड ऑप्शन, मार्क्स विद ऑप्शन. ठीक है, ऐसे दो कॉलम्स कर लीजिए, एंड इन फ्रंट ऑफ एवरी चैप्टर यू कैन राइट डाउन की उसमें कंपल्सरली कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन. तो मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शन, ऐसे दो कॉलम्स. मतलब आप एक कॉलम आप पर्पल जो लाइन है आप वो पकड़ सकते हैं, एंड जो ग्रीन मार्जिन है उसके बाहर वो आप विद ऑप्शन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरी वन? आर यू ऑल रेडी? यस मैम. ओके, so we come to chapter number 1, reproduction in lower and higher plants, and chapter number 2, dono ko equal type ka weightage hai, without option 6 and 6 marks. Chapter 1 without option 6 marks for chapter 1, 6 marks for chapter 2, and with option 8 for chapter 1 and 8 for chapter 2. Okay, then chapter number 3, 4, and 5, इनको equal weightage है, मतलब हर एक को equally उतना ही, जैसे 1 and 2 को 6 and 6 था without option and 8 and 8 था with option. Similarly 3, 4, 5, these chapters. Now in these three chapters with option, sorry, without option it is 4, 4, and 4. 4 for chapter 3, 4 for chapter 4, and 4 for chapter 5. Is that clear? And with option it is 6 for chapter 3, 6 for chapter 4, and 6 for chapter 5. Now, I just want you to understand one thing. Chapter number 3 and 4, pura ka pura chapter rakha gaya hai. Okay, and chapter number 5, origin and evolution of life, modern synthetic theory and human evolution. Theek hai, sirf itne do parts rakhe hain, lekin weightage kitna hai, usko bhi 4 mark ka weightage hai, and inheritance and वेरिएशन विदाउट ऑप्शन पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया, उसमें से डिलीट कुछ भी नहीं करा गया है, उसको भी 4 मार्क्स का वेटेज है. अभी मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप वो छोटा सा पार्ट जो है पहले ह्यूमन इवोल्यूशन एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें से 4 मार्क तो आने ही वाले हैं. इतना थोड़ा सा पढ़ा, इसमें से 4 मार्क तो पक्के आने ही वाले हैं. वो थरो किया, this is how you will be working smartly also. So ye main jo data de rahi hu, okay. I've got a request for repeating the weightage for chapter 1 and 2. Chapter 1 and 2 weightage is 6 marks without option and 8 marks with option. Dono ke liye 6 mark chapter 1 ke liye,
6 मार्क्स चैप्टर 2 के लिए विदाउट ऑप्शन एंड 8 मार्क्स चैप्टर 1 के लिए, 8 मार्क्स चैप्टर 2 के लिए विद ऑप्शन. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, देन लाइक आई एक्सप्लेन टू यू, 3, 4, and 5 दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स. इन सबके लिए इक्वल वेटेज रखा गया 4, 4, and 4 विदाउट ऑप्शन एंड 6, 6, and 6 विद ऑप्शन. एंड जैसे कि आपको मालूम है अभी हम लोगों ने इंटरनल ऑप्शन रखना बंद कर दिया, तो आपको फ्री चॉइस रहता है, एनी 3 आउट ऑफ दीज, आउट ऑफ 5, एनी 3 आउट ऑफ 8, एनी 4, व्हाटएवर दैट पैटर्न आई विल टेल यू लेटर ऑन. तो आप ये बात ध्यान में रखें कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में सिर्फ 2 सब यूनिट्स रखे हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, लेकिन उसको भी उतना ही वेटेज है जितना कि पूरा चैप्टर जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उतने चैप्टर को पूरा का पूरा जो है उतना ही वेटेज दिया गया है. ओके, देन कमिंग टू चैप्टर 6, 7 विच आर फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, 8, 9 विच आर फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी. प्लांट वाटर रिलेशनशिप ऑल्सो कितने पार्ट्स रखे गए हैं? सिर्फ 3 सब यूनिट्स इवैल्यूएशन के लिए रखे गए हैं, लेकिन वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन, 7 मार्क्स का विद ऑप्शन. देन कमिंग टू प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. अब प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में सिर्फ हार्मोन्स रखे हैं इवैल्यूएशन के लिए, सो पुट अ स्टार. ये पोर्शन अगर आप करेंगे आपको पक्का मालूम है 5 से 7 मार्क के तो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं इसमें से. So remember that plant growth and mineral nutrition, you have to do only the hormones thoroughly 100%, so you know that 5 marks or 7 marks you can put into your pocket easily. Okay, so for plant growth and mineral nutrition also without option 5 marks, with option 7 marks. Chapter number 6, plant water relationship, 5 marks without option, 7 marks with option. Chapter number 7, plant growth and mineral nutrition, 5 marks without option, 7 marks with option. Then we come to respiration and circulation. Okay. Respiration and circulation may अगर डिलीट किया गया है तो नॉन इवैल्यूएटिव रखा है तो एक्चुअली ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट. सो इन दिस चैप्टर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन दैट हैज टू बी थरो. इट इज एज गुड एज रीडिंग द एंटायर पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. नाउ लेट अस कम टू वेटेज, 7 विदाउट ऑप्शन एंड 10 with options, but actually 2 chapters milke ek bana hai, isliye 7 without option and 10 with option. Similarly, control and coordination. Control and coordination mein 8 marks without option. Ye bhi bada chapter hai, 2 parts to hai hi hai usme, nervous system and hormonal control. 8 marks without option and 11 marks with option. Then coming to human health and disease. Human health and disease, इसमें से कोई भी part delete नहीं करा गया है इस chapter में से, ये याद रखना है आपको. And 3 marks without option and 4 marks with option. Then coming to
biotechnology. Sorry, I missed out. Enhancement of food production. Enhancement of food production. इस particular chapter में भी कुछ part delete किया गया है, non-evaluative रखा गया है. This chapter is having 5 marks enhancement in food production, 4 marks with option, without option, and 6 marks without option. And in biotechnology, we have 5, जैसे कि चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, 5 marks with option and 7 marks without option. Now remember, biotechnology, there has been no part that has been deleted or kept for non-evaluation. The entire chapter is there. Then coming to organism and population. यहाँ पे भी पूरा का पूरा चैप्टर रखा गया है, 3 marks without option, 4 marks with option. And ecosystem and energy flow, you are seeing 3 marks without option and 4 marks with option. Similarly, the last chapter, biodiversity. ये जो chapters हैं ecology and environment के, chapter 13, 14 and 15, इसमें ये chapters का ऐसे है कि these chapters, if you read them once, these are general knowledge chapters. Of course, some technical words you need to know, definitely. But if you read it once and twice, you will remember everything clearly. Very simple, easy to understand, and more of, like I told you, more of general knowledge, things that we keep hearing about every now and then. Even in your earlier classes, you have been hearing about them so often. So, ye ho gaya, ab dekh rahe ki total 70 marks without option and 98 marks with option. And now I come to the next very important thing. Ki jo question paper hai, aapko uska format bhi pata hai. So very quickly we shall go to weightage according to learning objectives. Hum logon ne dekha weightage according to chapter dekha. Weightage according to learning objectives, aapko pata hona chahiye ki आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डिफाइन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डिफाइन द वर्ड जीन, डिफाइन द वर्ड REN और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, व्हाट इज अ प्लाज्मिड. तो ये ऐसी जो चीजें हैं, या सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक एक मार्क के लिए आएंगे. डिफाइन नॉलेज में आपको जो है डिस्क्राइब, तो ये नॉलेज बेस्ड हो गया, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको मालूम है. ओके, अंडरस्टैंडिंग, तो जहां पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर, जैसे हम देखते हैं कि ये इस तरीके से हमारा जो मशीन है, इट इज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द ब्लड प्रेशर. या आपका अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि अगर आप ईसीजी देख रहे हैं, तो ईसीजी में से आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस P wave showing, what is the QRS showing, what is the T wave showing, that is understanding. Okay. Similarly, in the enhancement of food production, usme bhi aapko kuch cheezon ka understanding ki zarurat hai. So, understanding based questions. And then application and skill. Application and skill, aapko knowledge tha, aapko DNA ke bare mein malum hai, aapko RNA ke bare mein malum hai. How do you differentiate between the two? That would be application. You have used that particular. Yeah, humko DNA replication ke bare mein malum hai, humko plasmid ke bare mein malum hai. To biotechnology mein hum logo ne, yeah, in the chapter of molecular basis of inheritance also, how we are applying a particular knowledge into, to jaise hum logo ne humulin kaise prepare kiya. So we have seen some observations in nature. कि प्लाज्मिड्स होते हैं बैक्टीरिया में,
plasmid can be incorporated into the bacterial DNA. And if it is done in that particular manner, तो कैसे plasmid के characters जो हैं या उसका जो कुछ भी it is codons it is carrying, those would be passed on to the next generation. But अगर plasmid cytoplasm में है and it is not a part of the bacterial DNA, then it may or may not be inherited into the next generation. तो ये चीजें जो हैं, इनका यूज हम लोगों ने किस तरीके से किया है इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स. तो हेल्थ एंड डिजीज में अभी हमको पता ही है कि कुछ लोगों ने अपने आप को फॉर यंगस्टर्स हु आर गुड एंड हेल्दी, उन लोगों ने अपने आप को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए, कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज बॉडी में बनना चाहिए उसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी का यूज करने दिया मेडिकल फ्रेटर्निटी को. एंड जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे एंड देन दे हील्ड आउट ऑफ दैट, तो उसमें से हम वैक्सीनेशंस कैसे बनाते हैं. आज आपको पता है कि वैक्सीनेशंस काफी टाइम से भी इंडिया में भी होने शुरू हो गए. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी टेलिंग यू दैट आई एम अ प्राउड citizen, I've got myself vaccinated. तो वैक्सीनेशन बनाने के पीछे हमारा जो नॉलेज है जेनेटिक्स का कितना नॉलेज है उसमें एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है दैट कम्स इन एप्लीकेशन एंड स्किल. एंड स्किल में आ जाता है डायग्राम बनाना. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बायोलॉजी में डायग्राम्स का कितना इंपॉर्टेंस है, या कोई फ्लो चार्ट लिखना properly dikhana, to ye this comes in skill. Monohybrid cross ho gaya, dihybrid cross ho gaya, uska evaluation karna, usko compare karna ki ha ye agar result hai, question agar diya jaye ki this is the genotypic and phenotypic ratio, give an example, to aapko knowledge hai, aap uska application kar rahe hain and you are giving the answer according to that. MCQs mein bhi kitni baar aise questions aate hain jahan pe ki aapka application of knowledge is being used over there. Okay, then easy, average, difficult, I can have a look at this. That I don't think is very important to be discussing over here. Now we come to weightage according to the type of questions. So aapko jaise pata hi hai ki question paper mein MCQs puche jate hain. You have part A, B and C and D, char subsections hai. So A section mein aapko MCQs आते हैं, you will be having 10 MCQs, which will be 1 mark each. Multiple choice question का ये है, अगर आपने textbook में से chapters पढ़े हैं, तो from anywhere, क्योंकि कोई भी topic पूरा का पूरा non-evaluative नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 marks चाहिए, तो आपको textbook आपने पढ़ी होनी चाहिए, and carefully पढ़ी होनी चाहिए, because anything can be asked from anywhere. एमसीक्यू कोई भी पूछा जा सकता है. टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर के पीछे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज भी, बट दे आर जस्ट अ फ्यू. अब जितना ज्यादा टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्टिंग द टेक्स्ट बुक. एंड अगेन नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन जो है उसमें से बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, एमसीक्यू भी नहीं आएगा उसमें से. तो एमसीक्यूज के लिए ये है कि यू डू नॉट हैव टू मग अप. आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एमसीक्यू का एक फायदा हमेशा ये रहता है, अगर चीज आपके डेटा एंट्री यहाँ पे हो रखी है दिमाग में, आपने पढ़ा है केयरफुली, टेक्स्ट बुक पढ़ी है आप, तो एमसीक्यूज में आंसर सामने दिए रहते हैं. आंसर दिए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है. अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इमीडिएटली आपको वो ध्यान में आ जाता है. अगर मैं आपको पूछूं, आप लोगों ने थ्री इडियट्स पिक्चर देखी है क्या, जिन्होंने देखी है तो वो फटाफट बोलेंगे हाँ देखी है. उसमें कौन कौन एक्टर थे, अगर मैं ऐसे पूछूं तो शायद आपको नाम याद ना आए. अभी आमिर खान था वो तो सबको मालूम है, लेकिन अगर मैं बाकी जो लोग हैं उनका पूछूं, शर्मा जोशी वगैरह, अगर मैं ऑप्शंस दूं तो आप पहचान सकोगे कि हाँ भाई ये था. लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं है तो हमको सोचना पड़ता है ज्यादा. ऑप्शन सामने रहता है और आपने पढ़ा रहता है
तो आप इजिली आंसर दे सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज. बट पढ़ा होना चाहिए, आपके दिमाग में अगर डेटा एंटर्ड है तो आंसर आपको इजिली आ जाता है, आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है. एंड यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है दैट यू हैव टू, फॉर सपोज यू आर डूइंग एमसीक्यू नंबर वन, सो यू विल राइट इट ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन क्वेश्चन वन. ओके, देन ओवर देयर यू हैव टू राइट डाउन द अल्फाबेट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन. तो ए बी सी डी में से आपको जो भी लगता है, सपोज यू आर सीइंग फॉर क्वेश्चन वन बी इज द करेक्ट आंसर, तो आप बी लिखेंगे पहले और बी के आगे जो भी वर्डिंग दिया हुआ है वो वर्डिंग वहां पे आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज सीन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसा ऑप्शंस दिए हैं. तो इफ इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन सी, यू विल राइट डाउन सी अल्फाबेट और उसके आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वर्ड वहां पे आना चाहिए. तो वर्डिंग भी आना चाहिए और उस ऑप्शन का अल्फाबेट भी आना चाहिए. और अगर आप ये सोचें कि मैं ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शंस लिख दूं तो टीचर को जो सही लगेगा उसमें से आंसर दे देंगे, तो यहाँ पे आप प्लीज याद रखिए कि आपने जो भी पहला करेक्ट ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है आपके हिसाब से, और अगर आपने उसको प्रॉपरली स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, आपने कट करके, आपको बाद में लगा कि ये नहीं, ए नहीं बी होना चाहिए, आपने ए को अगर कट नहीं किया, आपने ए और बी दोनों लिखे हैं और पहला आपने ए लिखा है जो कि गलत आंसर है, लेकिन बी करेक्ट भी होगा, लेकिन अगर आपने ए को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया रहेगा तो ए ही पकड़ा जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाटएवर ऑप्शन यू हैव रिटन ओवर देयर फर्स्ट, and if you have not striked that off and you have written another option over there without striking off the previously written one, then the one which has been written first will be taken into consideration. Please remember that. So if you feel in the beginning you may have felt A was the correct answer, but then later on while revising the answers you felt that no, it is not A, it is B, then you must cut out A and properly write down B and whatever is the statement in front of B. Please remember that for MCQs and for any answer also. आप answer लिख रहे हैं, आपको लगता है कि ये part गलत है, उसमें वो part अगर आपको लग रहा है गलत, अगर आपने उसको strike out नहीं किया तो वो पकड़ा नहीं जाएगा. That will not be it will not be considered कि हाँ आपने ऑप्शन दूसरा भी ऑप्शन लिख दिया है तो जो उसमें से करेक्ट टीचर वो ले लेगी, ऐसा नहीं है. These instructions are given, so you have to be confident in writing. Suppose you have felt that it is A that was correct in the beginning and then you want to switch over the answer to B, you are free to do that. And please here I would just like to tell you one thing, अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे विश्वास रखिए एंड नॉट ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ द नेबर्स. तो आपके आसपास में एग्जामिनेशन हॉल में कौन बैठे हैं, उनका प्रिपरेशन क्या है, इफ यू कैनॉट रिलाय ऑन योर ओन प्लीज डोंट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट अनदर पर्सन एंड आस्किंग फॉर एन आंसर. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलीगल थिंग. सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि वो, प्लीज बिलीव इन योर ओन सेल्फ. And that belief, that confidence comes only when your foundation is clear. आपके पास अभी भी एक महीने का time है, almost एक महीने का time है, तो you have to start with your preparation in full swing now. ये time है, do or die situation है. अब जो है इसको बोलते हैं ना कि अब परीक्षा की dates announce हो रखी है, परीक्षा होने ही वाली है, साल भर पूरे आपने पढ़ाई करी है, जिस तरीके से अभी आप preparation कर रहे हैं तो स्मार्टली आपने वर्क करना है, कैसे कैसे चैप्टर्स पढ़ने शुरू करने हैं, वेटेज भी देखना है एंड चैप्टर का एक्सटेंट भी देखना है, एंड उस हिसाब से आपने यू हैव टू नो स्टार्ट बिल्डिंग की हाँ ये जहां पे दिया है ना इजी, एवरेज, डिफिकल्ट. तो कुछ चैप्टर्स जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट थ्री चैप्टर्स 13, 14 एंड 15 दे आर वेरी इजी
एंड वेटेज भी है उनको मार्क्स का, आपको पता है चार 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 12 मार्क के तो क्वेश्चन 70 में से उसमें से आपको कम से कम मिलने ही वाले हैं, या पांच 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 इतना तो मिलने ही वाला है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, योर फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड फॉर दैट यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क एंड दैट विल हेल्प यू. When you put in your hard work, then you will also be able to do smart work. That comes later on. Okay? So, like I told you, ki MCQs 10 mark ke ho gaye. Similarly, very short answer questions, wahan pe kabhi kabhi sirf ek word dena rehta hai, ya ek sentence dena rehta hai, ya definition deni rehti hai. Jaise maine aapko bola, what is the full form of REN? Or what is HIND? What is the organism from which HIND 2 has been derived? तो इस तरीके से आपको वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे. और अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी गई है, यू हैव टू यूज दोज वर्डिंग्स ओनली. ओके, सो डेफिनेशन. नाउ आई हैव गॉट अ क्वेरी, डू वी हैव टू राइट फुल सेंटेंसेस इन एमसीक्यू? यू डू नॉट हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. प्लीज रिमेंबर, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर जो है, जो कुछ भी ऑप्शन, अभी इतने बड़े बड़े तो ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है कि इन वन एमसीक्यू द स्टेटमेंट फॉर ऑप्शन ए और बी और सी इज बिग, जो भी लिखा होगा ए के सामने, अगर आपको लगता है कि ए इज द करेक्ट आंसर, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू ओके. ओके, सो लेट मी कंप्लीट दिस एंड आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में, आपको जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसके सामने जो भी लिखा हुआ है, वन वर्ड है या चार वर्ड है या दस वर्ड है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो पूरी स्टेटमेंट उस क्वेश्चन उस ऑप्शन की लिखना जरूरी है. मतलब वो आंसर का जो पार्ट है, suppose it is B saying a particular statement, then you have to write down that whatever has been written in the question paper for statement B, you have to write that down. Okay? And please remember, question paper ke upar aapne kuch bhi nahi likhna hai, excepting your hall ticket number. That is it. So on the question paper, you do not have to do anything. Now, another important thing that I have got, we have been given the question bank from the board. What percent of it will come from for the exam? How much should we depend on the question bank? Okay, a question bank. So, जैसे हम बोलते हैं कि bank में हम चीजें डाल सकते हैं. Lot of sample papers have been, questions have been given in the question bank. Okay, तो question bank के ऊपर आप कितना rely करेंगे? ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि question bank में से ही questions आएंगे. Please remember that questions जो है आपका चैप्टर जो है आपने पढ़ना है. चैप्टर पढ़ने के बाद यू वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, या इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो कुछ सैंपल तो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया गया है, तो आपको उसमें से ही आते हैं क्या क्वेश्चंस? देयर इज नो कंपल्शन ऑन दैट. बट प्लीज रिमेंबर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में से ही क्वेश्चन आएगा. ओके, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. एंड एग्जांपल्स ऑफ दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन उसी में से आएगा जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इट इज लाइक अभी हम देखते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली जब भी गेम के लिए जाते हैं, फॉर बिफोर एवरी मैच ऑल्सो दे आर प्रैक्टिसिंग. इतने सीजन्ड प्लेयर्स हैं, इतने फेमस प्लेयर्स हैं, इतने सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली बॉल कैसे आएगी? उनको इतना मालूम है कि एक ओवर में छह बॉल्स हैं, जब अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ वाइड बॉल दैट हैज बीन गिवन, अंटिल एंड अनलेस वैसा सिचुएशन नहीं है तब तक जो है उनको एक्स्ट्रा बॉल नहीं मिलेगा या एक ये नहीं मिलेगा चांस. बट बिसाइड्स दैट दे नो कि सिक्स बॉल्स, पर वो बॉल किस तरीके की आती है, वो गुगली है, वो स्पिन है, या वो क्या है, कैसे है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो उनको मालूम है कि ये प्लेयर जो है लेफ्ट हैंडर है, वो राइट हैंडर है, इसकी बॉल नॉर्मली इस तरीके से आती है,
लेकिन वो कह नहीं सकते कि अगली बॉल जो आ रही है वो वैसी ही आ रही है. ओके, सो रिमेम्बर, डेफिनेटली हैव अ लुक एट द क्वेश्चन बैंक, बट फोकस ऑन दैट, हाउ मच यू कैन रिलाय ऑन दैट. आई विल नॉट से एट ऑल rely on your reading of the chapters from the textbook. Okay? Okay. So, I hope this point is clear to all of you. Yeah? Even including the MCQs. MCQs ke liye aapko idea chahiye na. Textbook padhenge to aapko usme se, agar aapne textbook padha hai, to aapko usme se puchha hua kuch bhi aa sakta hai. Okay? To, is cheez pe aapne dhyan dena hai ki textbook ke alawa koi bhi question nahi aayega. So coming back to the type of questions, very short answer questions we are going to discuss. Now remember, if you have read the textbook properly, thoroughly, then ye 18 mark aapke easily ja sakte hain. Easily aa sakte hain. Ab ye 10 marks mein se, kaun se chapter mein se aayega? Because there are, according to the textbook, there are 15 chapters and वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज मिला के पकड़ा तो 18 क्वेश्चन ये हो गए, 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन हो गए. अब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें कि एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब कोई तो भी एक चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे चैप्टर्स में से कम एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. एंड ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यू आए ही आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है. ओके, so many combinations and but you have to be studying all the chapters only then. So jo part non evaluative ke liye rakha gaya hai usko chhod ke baki ka pura padhenge aap to definitely ye 18 mark aapko easily mil sakta hai. And then you know that section 2 mein section b mein aapko 2 mark ke questions aate hain. Yahan pe every question, yeah, you have from question number 3 to 14. तो ये क्वेश्चंस जो है 12 क्वेश्चंस 24 मार्क्स के, आपको ऑप्शन है यहाँ पे, तो यू हैव टू डू, जैसे कि आप वेटेज देखेंगे तो 24 मार्क्स इज टोटल मार्क्स, एंड अगर आप ये देखेंगे कि विदाउट ऑप्शन भी यहाँ पे होंगे ही होंगे एंड विद ऑप्शन भी होंगे, बट यू कैन इजीली लाइक आई हैव टोल्ड यू हैव टू डू एनी 12 आउट ऑफ द गिवन. इंटरनल चॉइस नहीं है, पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर इवोल्यूशन पे एक क्वेश्चन पूछा तो उसको और भी उसी चैप्टर में से पूछ लेते, तो वहां पे क्या है कि अगर वो आपका चैप्टर नहीं हुआ अच्छे से तो प्रोबेबली यू हैव टोटली लॉस्ट द मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. ऑप्शन का भी कुछ फायदा इतना कभी कभी नहीं हो पाता था फॉर द वीकर स्टूडेंट्स, बट नाउ इट हैज बीन केप्ट फ्री ओपन ऑप्शंस. देन यू हैव द section C, which is 3 mark each questions. यहाँ पे आपको 3 mark के questions जो हैं, यहाँ पे आपको 24 marks, so you have to be attempting these questions from 15 to 26. So these questions which are carrying 24 marks, and then section D. So section C में you are attempting any 8 questions, and section D you are attempting any 3 questions out of the given 5 questions. You are attempting any 3, okay, 4 marks each. So 4 marks each, jo bhi chapters abhi dekhiye, excepting the last 3 chapters jo ki 3-3 marks ke hain, to 3 marks ke without option and 4 marks ke with option. So preferably you can think that from these chapters you are not going to get any 4 mark question. 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों चैप्टर्स में से किसी एक में से भी या दो में से, okay? पर 4 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर उसको कुछ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन भी होना चाहिए. तो यू कैन रियली डिस्काउंट आउट ऑन दैट पार्ट की चैप्टर नंबर 3-4 एंड 13-14 एंड 15 यू विल नॉट गेट एनी फुल लेंथ क्वेश्चन इन दैट 3 मार्क्स का आ सकता है. नाउ regarding the questions that can come for 4 marks from the chapters of circulation, respiration, control and coordination, hormonal coordination, in chapters mein se aapko 4 mark ka question aa sakta hai. Now, how do you write down a 4 mark question? Now, you have to do one thing.
आप कोई भी मतलब ये 2, 3, 1, 2, 3 and 4 बाकी जो पैटर्न है ये इस साल से नहीं शुरू हुआ है. दिस पैटर्न इज देयर द पास्ट दिस इज आई थिंक द फोर्थ ईयर नाउ. तो 3 years at least this pattern is going on. And आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टर्मिनल एग्जामिनेशन में भी दिया गया था ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड का ये था. तो रिमेंबर दैट दीज क्वेश्चन दैट यू हैव बीन गिवन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो प्लीज सी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. जब आप जैसे कि सर्कुलेशन का चैप्टर हो गया तो सर्कुलेशन के चैप्टर में आपको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आ सकता है. अभी हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया तो डायग्राम भी एक्सपेक्टेड रहता है. डायग्राम में आपको कितना एक्सटेंड इट शुड बी अ फ्री हैंड डायग्राम शुड बी प्रोपोर्शनेट दैट इज योर स्किल. लेबलिंग शुड बी डन डायग्राम शुड बी ड्रॉन विद अ पेंसिल. लेबलिंग शुड बी डन प्रेफरेबली ऑन वन साइड प्रॉपरली दैट इज द प्रेजेंटेशन. क्योंकि जब भी कोई चीज सुंदर रहती है तो एग्जामिनर को भी उसको देख के मन अच्छा लगता है. तो एग्जामिनर की भी साइकोलॉजी अच्छी हो जाती है व्हेन इट इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड. सो इन योर राइटिंग मे नॉट बी वेरी ब्यूटिफुल बट देन एटलीस्ट इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी इजिली लेजिबल. ओके सो ये जो है इंपॉर्टेंस जो है. नाउ diagrams, somebody has given me a query. Could you please tell what are the important diagrams? Whatever diagrams. So, now if I have to start with, कि आप लोगों ने preparation कैसे करनी है? हमारा दिमाग जो है, human mind, okay, always likes more of video than audio. अभी मैं आपके साथ audio पे communicate कर रही हूँ. Had it been more of a visual sharing, that would have been even more effective. Okay, but brain remembers things which are more visual. So biology mein ek advantage hamara ye hai ki hum jo kuch bhi dekhte hain to wo visual rehta hai. Anything hum describe karte hain to hum jaise bolte hain ki heart is somewhat conical, the upper two segments that is auricles, they are small, they are flat and it is conical with the apex pointing downwards. फिर मस्कुलेचर, यहाँ पे मसल्स ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसकी शेप ऐसी है, उसकी शेप वैसी है. या फिर हम फ्लो चार्ट्स देखते हैं इन डिफरेंट जैसे कि पीसीआर में भी है. तो जो भी डायग्राम्स बुक में दिए हुए हैं, इवन आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन का भी हम लोगों ने देखा था, वहां पे भी यू मे बी गिवन अ डायग्राम एंड यू मे बी आस्क्ड टू लेबल अ पर्टिकुलर थिंग. तो जो भी डायग्राम्स है सबसे पहले वो डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स वो प्रैक्टिस करके लो. समटाइम्स इन सम प्लेस यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर डायग्राम. इन सम प्लेस अ लेबलिंग मे बी गिवन. फॉर एग्जांपल ब्रेन का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड अगर है तो वहां पे आपको बनाने के लिए ना दिया जाए, एमसीक्यू में आ सकता है दैट. और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है कि उन्होंने आपको डायग्राम दिया हुआ है, लेबलिंग्स दिए हुए हैं एंड देन यू आर आस्क्ड टू गिव द फंक्शन ऑफ ए बी सी डी. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. आपको पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि वो पार्ट्स क्या दिए हुए हैं. यू हैव टू मेंशन. तो जो भी डायग्राम दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में एंड जो भी लेबलिंग्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट. मैम यस, आपसे ये पूछना था कि कहीं कहीं पे लिखा है कि डायग्राम विथ 4 करेक्ट लेबल्स और कहीं लिखा है डायग्राम विथ 2 करेक्ट लेबल्स, तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? ओके, दैट इज अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द क्वेश्चन. सपोज अभी आपको मतलब फिजियोलॉजी में आपको अभी 4 ही एक्सपेरिमेंट्स है एनिमल फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन सर्क्यूलेशन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल. अभी हार्मोनल में भी पिट्यूटरी का डायग्राम है. नाउ इफ दिस इज कमिंग फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स विल बी फॉर द डायग्राम इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ द पिट्यूटरी.
and 2 marks will be for the description of the parts. So, correct labelings उतने होने चाहिए, but ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा labeling कर नहीं सकते. तो जो भी दिए हुए हैं labels उतना आपने याद रखना चाहिए, क्योंकि like I told you, पहले ऐसे नहीं आता था कि डायग्राम दी जाती थी, लेकिन अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि डायग्राम दे सकते हैं एंड आपको बोल सकते हैं कि इनके नाम लिखो, मतलब आधा आधा मार्क एक एक नाम के लिए हो जाएगा एंड फंक्शन एक एक फंक्शन के लिए. तो इवन इफ दे आर गिवन टू क्वेश्चन मार्क्स ओवर देयर ए एंड बी, दैट डायग्राम कैन बी फॉर 2 मार्क्स. और अगर उन्होंने 4 लेबल्स दिए वहां पे और आपको 4ों के फंक्शंस पूछ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लेबलिंग्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं आपने उसमें से कोई भी ऑमिट नहीं करना है, आपने बनाना है. बट एटलीस्ट दैट मच दे आर सेइंग दैट एटलीस्ट सम डायग्राम्स रिक्वायर एटलीस्ट 2 लेबलिंग्स, करेक्ट लेबलिंग सम वुड रिक्वायर एटलीस्ट 4 लेबलिंग्स. ओके, तो हमने ये रखना है कि हमको अगर मालूम है तो उतने टाइम में कंफर्टेबली आप सारे के सारे लेबलिंग्स कर सकते हैं. एंड यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू दैट आई वॉन्ट टू गिव यू, जहां पे भी डायग्राम्स हैं वहां पे, जैसे मैंने आपको मतलब बार बार में वो पीसीआर पे ध्यान में आ रहा है, जो डायग्राम दी हुई है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो कोई भी डायग्राम हो, जैसे हार्ट का भी हो गया, पीसीआर का हो गया, या ब्रेन का हो गया, या पिट्यूटरी का हो गया, डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है ना, अपने लिए वहां पे नोट बनाना शुरू कर दो. मतलब द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ओके, बाय अ मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल फिशर. तो वहां पे आपको वो फिशर दिख रहा नहीं दिख रहा, सेरिब्रम लिखा हुआ है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स शॉर्ट में लिख दीजिए, 2C.ME करके, बाय वो भी शॉर्ट में वर्ड लिख दीजिए, द फिशर, द नेम ऑफ द फिशर. एंड देन जहां जहां पे फंक्शन दिए हुए, अभी जैसे फ्रंटल लोब का फंक्शन दिया हुआ है, टेम्पोरल लोब का फंक्शन दिया हुआ है, तो जो डिटेल्स नोट में दी हुई है, टेक्स्ट फॉर्म में दी हुई है, उनको आप फिगर में बनाते जाएंगे, तो आपका जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, यू विल बी हैविंग ओनली 1 डेज गैप बिटवीन द पेपर्स, सो दैट टाइम व्हेन यू आर डूइंग योर फाइनल रीडिंग, जहां जहां पे भी डायग्राम्स है वहां पे आपने साइड में अपना उसी डायग्राम के ऊपर आपने अपना नोट लिखा हुआ है, तो आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको टेक्स्ट पढ़ने की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो डायग्राम्स जहां जहां पे भी है, फ्लो चार्ट्स जहां जहां पे भी है, कोई भी डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन जो है टेक्स्ट बुक में, उसको प्लीज गो थ्रू दैट. पहले ब्रेन उस चीज को याद रखता है, एंड उसमें अगर आप जब लिखने बैठेंगे खुद के अपने हाथों से, उस डायग्राम में अपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख लेंगे ना, तो बिकॉज यू आर राइटिंग इट इन दैट प्रोसेस, यू आर ऑल्सो एंटरिंग इट स्ट्रांगली इन टू योर ब्रेन, रिमेंबर दैट. एंड अगर आप नोटबुक में बना के उसमें लिख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया, इट इज इवन बेटर, यू आर इंप्रूविंग अ स्किल ऑल्सो. सो इन दिस पर्टिकुलर मैनर यू हैव टू रीड द एंटायर बुक प्रॉपरली. एंड ये रीडिंग आप लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपने पढ़ना है. एंड छोटी छोटी चीजें भी एमसीक्यू में आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर 1 पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे कि मिड ब्रेन, छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, मिड ब्रेन में 2 ही पार्ट्स हैं, द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 ऑप्टिक लोब्स एंड द सेरिब्रल पेडंकल और द ऑप्टिक थैलेमस, सॉरी सेरिब्रल पेडंकल. तो ये 2 पार्ट्स हैं. उन्होंने ये दिया हुआ था कि ऑप्टिक लोब्स जो है या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड ऑन व्हाट साइड. तो यहाँ पे मतलब अगर मिड ब्रेन है तो उसमें से, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेन में सेरिब्रम डॉर्सल साइड पे है एंड मेड्यूला वेंट्रल साइड पे आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है एंड सेरिब्रम ऊपर की तरफ दिखता है, उसी तरीके से मिड ब्रेन का ऊपर और नीचे का पार्ट, तो टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ था, देर आर 4 ऑप्टिक लोब्स विच टूगेदर फॉर्म द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑन द डॉर्सल साइड. अभी हम लोगों ने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना तक पढ़ा, लेकिन ऑन द डॉर्सल साइड इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑप्टिक काइज्मा है वो वेंट्रल साइड में हो गया, क्योंकि वो उसके नीचे की तरफ है. तो ये छोटी सी चीजें जो है वो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई करने के टाइम पे, तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो अपने लिए पढ़ाई करना, कॉन्सेंट्रेशन से करना,
चार घंटे के बदले में बेशक तीन घंटे कर रहे हो, लेकिन वो भी जो है पूरा ढंग से होना चाहिए. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई टोल्ड यू, प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ. एंड टू बी एबल टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली. दैट फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. एग्जामिनेशन में जाने से पहले, पेपर लिखना शुरू करने से पहले, आपको पता है ना कि आपको टाइम मिलता है, यू हैव टू बी रिपोर्टिंग टू द सेंटर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर. वहां पे जाने के बाद, क्लासरूम में बैठने के बाद, मेरे साथ कौन कौन आया है, क्योंकि इस बार एवरी स्कूल हैज टू बी अकोमोडेटिंग इट्स ओन चिल्ड्रन. मेरा कौन सी क्लास में आया है, मेरी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, वो सब छोड़ के आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सुबेरे के सेशन में क्या आया था क्वेश्चन पेपर, दोपहर के सेशन में क्या आने वाला है. मेरा दोपहर में है तो मैं जरा पता करती हूँ कि सुबेरे क्या आया था. नहीं, आपने अपना टाइम इन चीजों में वेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू बी डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, योर स्टडीज, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि क्लासरूम में आने के बाद भी, जिसको बोलते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब क्या है, भगवान को याद करना, ऐसा नहीं है. इवन इफ यू ट्राई टू फील योर ओन हार्ट बीट्स कि हाँ भाई अभी मेरा लब डप चल रहा है, मेरा मेरी हार्ट बीट्स चल रही हैं और वो काम नहीं होगी, मेरी एंग्जाइटी कम नहीं होगी, उसके लिए मेडिटेट करना जरूरी है. सिंपल आहार खाना है, लाइट फूड, एंड यू मस्ट हैव समथिंग बिफोर यू कम. हैवी अपने आप पेट भर के एकदम नहीं आना है, लेकिन खाली पेट भी नहीं आना है. एंड हम लोग मीठा इसलिए बोलते थे क्योंकि दही और शक्कर हमारी ट्रेडिशन में दिया जाता है. दही कीप्स यू काम अंटिल एंड अनलेस यू आर एलर्जिक टू कर्ब्स, एंड द शुगर इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. ब्रेन तभी काम करता है अगर मोबाइल में बैटरी ना हो तो वो ठीक से काम नहीं करती, इसीलिए ब्रेन को भी थोड़ी बैटरी लगती है. मीठा हमेशा ब्रेन को अच्छा लगता है तो अच्छे से काम करता है. जो भी आपने पढ़ा है रात को वो ब्रेन आपको मदद करेगा, बट देन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. रात को सोने के टाइम पे भी यू हैव टू गो विद द कॉन्फिडेंस कि यस टुमारोज पेपर आई विल बी एबल टू डू नाइसली. सुबेरे आप थोड़ा टाइम पढ़ते हैं, लेकिन बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम सम टाइम बिफोर यू शुड कीप अवे दीज बुक्स एंड एवरीथिंग. एंड लास्ट मिनट तक मैं पढ़ रही हूँ तो जो कुछ मैंने रात को पढ़ा था वो ध्यान में ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा था. इतना भी अपना ब्रेन को ओवर सैचुरेट नहीं करना है बिफोर द एग्जाम. फॉर सम टाइम इफ यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, शायद एक आधा सूदिंग गाना सुन के अच्छे मूड से विद फुल कॉन्फिडेंस विद अ स्माइल, थोड़ा सा तीन ब्रेथ्स भी अगर आपने अच्छे से ले लिए, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं कि सांस अंदर रोक के सांस बाहर तीन बार भी, जब आप सेंटर में भी जाते हैं अपने बेंच पे आके बैठ जाते हैं तो यहां वहां देखने के बदले में सबको बेस्ट ऑफ लक वगैरह मन से आप सबके लिए विश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेंच पे बैठते हैं, बैठ के तीन बार अच्छे से सांस लीजिए. योर ब्रेन विल गेट ऑक्सीजन, इट विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली. एंड यू आर सपोज टू, आपको आंसर शीट मिली है उस पर अपने डिटेल्स ढंग से भरिए. यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठिए. ब्रेन विल बी एबल टू रिकॉल वॉट एवर यू हैव डन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for you to be maintaining this peace before you start doing the paper. Question paper bhi haath mein aane se pehle, jo wo aadha ghanta hai aapne answer sheet bhar ke rakh di hai, uske baad aap baith ke sirf meditate kar rahe hain us cheez ke upar jo kuch bhi aapne padha hai. Aur question paper aane ke baad bhi, pehla question padha bahut easy laga, chalo main dekhti hu aas paas ke bachchon ka reaction kya hai, nahi. आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द आंसर टिल सम टाइम, यू आर गिवन 10 मिनट्स टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड प्रेफरेबली गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन राइटिंग डाउन द आंसर्स. जरूरी नहीं है कि आपका ऑप्शन ए पहले ही आना चाहिए, मतलब सेक्शन ए पहले ही करना चाहिए. जैसे आपको पर जो भी सेक्शन शुरू करते हैं उसको ढंग से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाइए. ओके, and this can happen only when your brain is calm. And jitna aap diversion denge apne brain ko,
कि हाँ भाई मम्मी पापा नीचे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, मेरे क्लासरूम में मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं है, उनको इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है नहीं मालूम है, मुझे डाउट आ रहा है, द अदर वन मे ऑल्सो बी हैविंग डाउट, हाउ कैन यू रिलाई अपॉन द अदर पर्सन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, क्योंकि जब हम चेक करते हैं पेपर्स, इतनी बार ऐसे देखा है कि एक बच्चे ने सारे के सारे एमसीक्यूज के आंसर्स ठीक लिखे थे पहले अटेम्प्ट में, पर पता नहीं क्या हुआ, किसका देखा, किससे बात करी, क्या किया, वो सारे के सारे कैंसिल करके सारे के सारे गलत लिख दिए, ऐसा भी होता है। सो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज रिलाय ऑन योर ओन सेल्फ। मीच आहे माझे जीवनाचा शिल्पकार, यू हैव टू मेक योर लाइफ and make it in a proper manner. So I would want to conclude this particular session. Many things that I would have wanted to share with you, but running short of time now. And with all best wishes, may you be getting the strength to prepare yourself well and go ahead with your goals of life. And ye jaise maine bola, do and die situation hai. Aap history create karne wale hain. Achche se kariye. एंड अपना नाम करिए, अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए ये आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टोन, स्टेपिंग स्टोन है, तो प्लीज क्रॉस इट विद ऑल योर कॉन्फिडेंस एंड गुड वर्क। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल, डू वेल एंड बी सक्सेसफुल। मैम, यस मैम, फ्रॉम 8th एंड 9th चैप्टर व्हिच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट? ओके, just let you know. Okay, from 8th and 9th chapters, okay. अभी इनका वेटेज भी देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा इन्हीं का वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स का, okay? Yes, 7 ma'am. And 8 without option and 10 and 11 with option, क्योंकि actually इसमें दो दो चैप्टर्स हैं, तो anything can come, 2 mark, 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark, ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो ये बोलना कि इसमें से क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग। ओके, तो जैसे आप, आई विल टेल यू हाउ यू कैन गो अहेड विद इट। तो चैप्टर नंबर रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है, रेस्पिरेशन के चैप्टर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स ऑफ एक्सचेंज में इन्होंने टेबल दिया हुआ है, तो ये जो टेबल है इसमें से कुछ भी एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, रिमेम्बर एनीथिंग कैन कम इवन फॉर एन एमसीक्यू फ्रॉम टेबल नंबर 8.2, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म, सरफेस और ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ भी एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है या वन लाइन क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। Then respiratory system, this can come for 3-4 marks के लिए आ सकता है, ये भी respiratory system भी आ सकता है, तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो this is something आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। Then disease, यहाँ पे भी अभी COVID situation में भी मालूम है कि जिन लोगों को breathing disorders है, asthma हो गया, bronchitis, these people are also under risk, तो यहाँ पे ये disorders के बारे में भी mention किया हुआ है। Then mechanism of respiration, तो ये भी mechanism of respiration मतलब breathing, inspiration and expiration, ये question भी आ सकता है 4 marks के लिए। Okay, तो वहां पे भी ये diagram जो है showing the ribs going up and the ribs coming down, outward and upward and inward and downward, ये जो दो steps भी दिए हुए inspiration, expiration and breathing के, तो this can also come for 4 marks। Then definitions के लिए ये जो values दिए हुए हैं, tidal volume, inspiratory reserve volume, dead space, total lung capacity, vital capacity, इसमें से भी कुछ भी आ सकता है। Then dissociation curve वो दिखा सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं, that if the curve is moving to the right, what does it indicate? Okay? या फिर बोर इफेक्ट क्या है एंड हैल्डेन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे
एक एक सेंटेंस में दिया हुआ है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो ये पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स, क्योंकि 3 फॉर्म्स में वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो नाउ यू हैव टू सी वेदर द क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स और इट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स और इट इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स. You have to remember the same thing can be asked for 4 marks also and the same thing can be asked for 2 marks also. अगर वो 2 mark के लिए पूछा गया है तो एकदम short में. But you have to remember कि ये जो चीज है इसमें ये चीजें आती हैं जिसको हम बोलते हैं mind mapping. तो हर एक जो part है उसमें अपना छोटा छोटा points निकाल के रखिए कि अगर transport of CO2 पूछा है तो यहाँ पे A, B and सी 3 मेथड्स दिए हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए. अगर उसको उन्होंने सिर्फ बोला है एनलिस्ट द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां पे आपको सिर्फ बताना है कि इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, डिटेल्स में नहीं जाना है. अगर उन्होंने बताया एक्सप्लेन द फॉर्म्स इन विच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, तब आपको डिटेल्स देने हैं. तो वेटेज के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपने उसको सिर्फ मेंशन करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आते हैं मेंशन द, मेंशन मतलब सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल में नहीं जाना. यू हैव टू जस्ट गिव इन शॉर्ट. ओके, सो दैट इज मेंशनिंग. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के ऊपर आ सकता है. अभी हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क का. लेकिन उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में छोटा सा पॉइंट दिया है कि हाँ इतना ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाता है एंड इतना ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाता है. तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपने मिस आउट नहीं करनी है. तो अगर आप मेरे को ये पूछते हैं ना कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, तो मेरा आंसर यही है कि जितना भी इवेल्युएशन के लिए दिया हुआ है उतना पूरा का पूरा जो है 4 चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट है. नाउ इफ यू विल आस्क मी हाउ शुड वी गो अबाउट प्रिपेयरिंग, तो आपको पता है कि कुछ चैप्टर्स में से आपको इजीली, हर किसी का एक पर्टिकुलर लाइकिंग रहता है, तो अगर आप देखेंगे सबसे कन्वीनियंटली जिसमें से मार्क्स भी मिल सकते हैं, वेटेज भी ज्यादा है एंड टॉपिक भी सिंपल है, वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ये दोनों के दोनों चैप्टर्स पढ़ाई करने के टाइम पे एक साथ ही कीजिएगा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस सेम ही है दोनों में. कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें नाम अलग है, लेकिन मेथोडोलॉजी सेम ही है. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये दोनों चैप्टर्स एक साथ कर लीजिएगा, तो आपको पता है आपको कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं उसमें से, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, क्योंकि दोनों चैप्टर्स के लिए इक्वल वेटेज है. ओके, 6 6 and 6 विदाउट ऑप्शन एंड 8 and 8 विद ऑप्शन, मतलब out of 70, 16 marks you can easily get. But don't miss out even one word from these 2 chapters. Easy hai. And figures bhi inke achhe hai. Matlab, structure of ovule ho gaya, structure of the anther ho gaya. To ye part mein MCQs bhi aa sakte hai, figure bhi aa sakte hai, labeling bhi aa sakte hai, significance bhi aa sakte hai. Usi tarike se male reproductive system and female reproductive system of human being, menstrual cycle, 4 marks के लिए वो भी आ सकता है. वहां पे क्या करना है, अभी male female system आया तो पूरा का पूरा system आपको आ सकता है description के लिए, या फिर आपको सिर्फ कुछ parts लिए जाएं और इनका importance बताना है. तो what are the associated glands in the male reproductive system, mention these and give their significance. तो associated glands में seminal vesicle आ गया, prostate gland आ गया and Cowper's gland आ गया. तो ये 3 glands हो गए और इनका function भी बता दिया आपने, तीनों के नाम और function दे दिया. कभी कभी एक आधा question जो है, जरूरी नहीं है कि 3 mark के लिए उसकी length बड़ी होनी चाहिए answer, नहीं. You have to remember कि आप pinpointedly किस तरीके से लिख सकते हैं without missing out on any point. You have to remember that. तो English में आप pressy भी करते हैं ना, you have to remember कि हाँ ये अगर question इसके ऊपर आया है ना तो ये point आने चाहिए. उसी तरीके से reproduction in animals में reproductive health है, family planning measures है,
सिंपल, इफ यू अंडरस्टैंड देम, एक एक मार्क के उसमें से क्वेश्चन आ ही सकता है. डू नॉट, मैंने जैसे बोला कि ये दो चैप्टर्स में से ओमिट कुछ भी नहीं करना. ओके, ये दो चैप्टर्स कर लिए, थोड़ा सा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये दो चैप्टर्स करने के बाद भी थोड़ा लाइट है, तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इतना हैवी नहीं है जितना कि नर्वस एंड हार्मोनल, थोड़ा सा उसका एक्सटेंट ज्यादा है, थोड़ा सा उसका एक्सपेंस ज्यादा है. तो यू कैन गो विथ रेस्पिरेशन एंड, क्योंकि ये फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है, यू कैन गो विथ दीज चैप्टर्स आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, क्योंकि इनके बारे में भी एंड इवन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल इनके बारे में आप पढ़ते आ रहे हो. तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कर लिया, यू फाइंड यू आर क्वाइट कंफर्टेबल नाउ, देन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 13, 14, 15. वो एक स्टोरी के जैसे है, मच ऑफ इट इज लाइक दैट, सिंपल. एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आराम से ध्यान में आ जाएगा. देन यू आर फीलिंग अ लिटिल लाइट, टेक अ स्मॉल गैप एंड देन गो फॉर द चैप्टर्स ऑन हेल्थ एंड डिजीज, देन माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन. यहाँ पे आपको रट्टा मारना है, तो चीजें याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए कौन से ऑर्गेनिक एसिड के लिए कौन कौन सा ये आता है, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, विटामिन्स के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, बायोरिएक्टर क्या है, वो बायोगैस प्लांट का फिगर जो है, उसका प्रोसेस जो है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है, उसमें से आपको 1 mark का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 3 mark का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो दीज चैप्टर्स यू हैव बीन स्टडिंग अर्लियर ऑल्सो, बट देन रिवाइज देम अगेन थरली व्हाट हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक नाउ. एंड सबसे एंड में रखेंगे चैप्टर्स जो है वो जेनेटिक्स के, वो चैप्टर्स वहां पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस काफी इजी है, उसके बाद जो डिविएशंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपिज्म, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन कम टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, मिसेलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट 2 mark के लिए आ सकता है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, मिसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो हमको जैसे मालूम है कि इनिशिएशन कोडॉन क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन्स क्या है, ये चीजें एमसीक्यू के लिए भी आ सकती हैं. ओके, तो एवरीथिंग दैट हैज बीन केप्ट फॉर इवैल्यूएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, इज दैट ओके नाउ विद एवरीवन ऑफ यू? सो अभी ये नहीं सोचना है कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ उतना ही इम्पोर्टेंट है. थाली में 4 चीजें परोसी जाती हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस रहता है कि कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए. पूरा का पूरा खाना खाएंगे तो ही बॉडी को नरिशमेंट मिलता है. उसी तरीके से बायोलॉजी में मार्क्स इजीली स्कोर कर सकोगे, अच्छे से पढ़ाई करके लो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. वेलकम. ओके, आई Professor Samir Mengde, on behalf of ECA family, first of all, extend my most sincere thanks to the today's chief guest, Dr. Kaur ma'am, who have spared time from her busy schedule to grace this occasion. I also extend thanks to all the students for their cooperation. Thank you very much. Thank you.